अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज एक ऐसा वाकया हुआ जिसे देखकर और सुनकर बहुत ज्यादा दुख हुआ, मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ। वाकया ये है कि हमारे करीब ही एक शौहर ने बीवी को इतना मारा कि लहू लुहान कर दिया, खास करके चेहरे पे ऐसा मारा कि उस औरत का यानी उसकी बीवी का बात करना मुश्किल हो रहा था। वजह क्या, रीजन क्या? सिर्फ इतना कि शौहर को अपनी बीवी की ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं हुई। हद होती है ना जहालत की। और ये आए दिन ये डोमेस्टिक वायलेंस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मर्दानगी बताने के लिए मर्द को सिर्फ औरत ही मिलती है। बस मुझे ऐसा लगा कि इस पर कुछ बोलना चाहिए। देखिए, ये बात सच है कि औरत में दर्द सहने की आदत होती है, मगर उसका यह मतलब नहीं है कि वो दर्द देने के मुस्तहिक है। औरत का ऊंचा लहजा कभी मर्द को पसंद नहीं आता। ये तो औरत है जो मर्द के ऊंचे लहजे को उसकी मर्दानगी समझकर बर्दाश्त कर लेती है। याद रखो, औरत को बस प्यार वाली जबान समझ में आती है। प्यार, इज्जत, नरमी, मोहब्बत से बोल के तो देखो, औरत अपना सब कुछ कुर्बान कर देगी। औरत की इज्जत करो इसलिए नहीं कि वो एक औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी तरबियत एक अच्छी मां ने की है और वो भी एक औरत है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि औरत को इज्जत की निगाह से देखा करो, क्योंकि तुम उसी के जरिए दुनिया में आए हो। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को मर्द की पेशानी से नहीं बनाया कि वो मर्द पर हुक्मरानी कर सके, बादशाहत कर सके, हुक्म चला सके, ना उसके पाव से बनाया कि वो उसकी गुलामी कर सके, बल्कि उसको पसलियों से पैदा किया ताकि वो दिल के करीब रह सके। आजकल हमारा हाल ऐसा हो गया है कि बीविया और बेटिया हर किसी को हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला जैसी चाहिए, लेकिन कोई भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बाप नहीं बनता, ना ही हजरत अली रजी अल्लाह तआला जैसा शौहर। अपनी बीवियों को कभी दुख मत दो, क्योंकि बीवियों की दुनिया बहुत छोटी होती है, शौहर से शुरू होती है और शौहर पर ही खत्म हो जाती है। औरत मर्द की अमीरी गरीबी से बिल्कुल मुतासिर नहीं होती, वो तो बस इस बात से मुतासिर होती है, इंप्रेस होती है कि कोई मर्द उसकी इज्जत करे। याद रखो, औरत को मोहब्बत कम दोगे वो समझौता कर लेंगी, लेकिन इज्जत नहीं दोगे तो अंदर से मर जाएगी। फिर आप लाख कोशिश भी कर लो वो दिल तक नहीं पहुंचने देगी। और सिर्फ औरत के पास ये सलाहियत होती है कि वो हालात के हिसाब से अपने माँ बाप का बेटा भी बन सकती है और वक्त पड़ने पर अपनी औलाद का बाप भी। औरत के अंदर हर मर्द के साथ रहने की चाहत नहीं होती, और जिसके साथ रहने की चाहत हो फिर औरत किसी और का साया बर्दाश्त भी नहीं करती। आइए, मैं अब आप लोगों को दुनिया के बड़े बड़े फलसफियों ने, दानिश्वरों ने औरत के बारे में क्या कहा है, उनके क्या अकवाल है, उस शॉर्टकट में आपको सुनाता हूं। कहते हैं कि औरत की इज्जत करें, क्योंकि एक औरत जब बाप के घर से रुखसत हो रही होती है तो वो सिर्फ अपना घर नहीं छोड़ रही होती है, बल्कि अपना बचपन, अपने नाज नखरे, अपनी अना और अपने आप को भी वही छोड़ देती है। मर्द को औरत के किरदार की कितनी फिक्र होती है, अगर उतनी ही फिक्र मर्द अगर अपने किरदार की करे तो कितनी औरतें बद किरदार कहलाने से बच जाए। और एक फलसफी कहते हैं कि मर्द का गुनाह तालाब में कंकर की तरह डूब जाता है, जबकि औरत का गुनाह कवल की फूल की तरह पानी के ऊपर ही रहता है, सबको बस वही नजर आता है। औरत के लिए जरूरी है कि गुनाह करने से पहले वो अपने आप पर तरस जरूर खाए, क्योंकि गुनाह करने वाली औरत को सिर्फ अल्लाह माफ करता है, लोग नहीं। औरत थी इसलिए गैरत के नाम पर कत्ल कर दी गई, वरना बेगैरती के बड़े बड़े रिकॉर्ड
अब भी मर्दों के नाम पर ही है। एक और दानिश्वर कहते हैं कि औरत तब बर्बाद होती है जब उसकी हुस्न की तारीफ कोई गैर मर्द करे और औरत को अच्छा लगने लगे। याद रखे, औरत को एक से ज्यादा मर्दों से अपने हुस्न की तारीफ का जब चस्का पड़ जाए तो किसी एक मर्द की नहीं रह सकती। जब तक औरत ना चाहे, मर्द कभी भी अपनी हदे पार नहीं करता। और औरत की मोहब्बत का कोई सानी नहीं। मर्द की खुशी के लिए वो अपनी ख्वाहिशात और आदात मर्द की पसंद के मुताबिक कर लेती है। और कितनी खूबसूरत बात किसी ने कही है कि औरत की जिंदगी में औलाद मर्द के नसीब से है और मर्द की जिंदगी में दौलत औरत के नसीब से आती है। लेकिन अजीब बात है कि जब दौलत ना हो तो औरत आंखें फेर लेती है और बे औलाद औरत का शौहर दूसरी शादी के ख्वाब देखने लगता है। आखिरी बात बड़ी खूबसूरत है कि एक औरत जो अपने दिल को फिर से मोहब्बत के लिए खोल दे जबकि उसका दिल टूट चुका हो, तो उस जैसी बहादुर औरत कोई और नहीं हो सकती। और याद रखे, जहां पर मोहब्बत हो इज्जत ना हो वहां पर मोहब्बत खत्म हो जाती है, और जहां पर इज्जत हो और मोहब्बत ना हो वहां पर मोहब्बत हो ही जाती है। आज मैंने वो इंसिडेंट देखा और मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। हालांकि मैं कई बार बना चुका हूं, बोल चुका हूं कि मियां बीवी का जो रिश्ता है वो मोहब्बत, भरोसे, इज्जत और एक दूसरे पर यानी यकीन से ही चलता है, एक दूसरे के माफी तलाफी से ही चलता है। लेकिन हैरत है जहालत की। अल्लाह ताला हम सबको माफ करे और दुनिया की हर मियां बीवी के बीच खूब मोहब्बत अल्लाह ताला पैदा फरमा दे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।